एक गांव था, वहां एक औरत रहा करती थी जो अपना जीवन चलाने के लिए कच्चा बादाम बेचा करती थी। कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, अरे ये बादाम खाओगे तो सारे बादाम भूल जाओगे, ले लो ले लो कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम। सुनो आंटी, 10 का बादाम मुझे दे दो। अरे हाँ बेटा ये लो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे लगते हो, ये लो तुम थोड़ा ज्यादा ले लो और हमेशा आते रहना। अक्सर हेमा बच्चों को ज्यादा बादाम दे दिया करती थी, उसको बच्चे बहुत ही अच्छे लगते थे। अरे रुको बादाम वाली, मुझे भी बादाम दे दो। हाँ तो भैया मैं कहाँ भाग रही हूँ। अरे ओ बादाम वाली, क्या तुम मुझे भी थोड़ा बादाम दे सकती हो, मुझे बहुत भूख लगी है, पर हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम मुझे बादाम खिला दोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। आप परेशान ना हो, मेरे बादाम से अगर किसी का पेट भरता है तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। लीजिए आप ये बादाम खा लीजिए। हेमा रोज अपने घर से शहर जाती थी और रास्ते में कच्चा बादाम बेचते हुए जाती थी। उसके पास एक बड़ा सा टोकरा भी था जिसके अंदर बहुत ढेर सारा बादाम लेकर जाया करती थी। भाई साहब जरा मेरा टोकरा उठाने में मदद कीजिए, तो बादाम ज्यादा हो जाते हैं तो उठा ही नहीं पाती हूँ। टोकरा उठाते हुए हेमा धन्यवाद कहकर चली जाती है। कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम। अरे हेमा तू आ गई, चल अब बादाम दे दे, कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ मुझे भी दे दे, पता नहीं तेरे बादाम हम ना खाएं तो मजा ही नहीं आता है, अब तो आदत सी हो गई है। हाँ तू बता कि तेरे बादाम इतने मीठे कैसे होते हैं, कहाँ से लाती है ये तो बता। हाँ हाँ बोल, हम किसी और का बादाम लेते हैं तो वो या तो खराब निकल जाता है या तो बेस्वाद होते। बस आप लोगों का प्यार है, ये बात एक लड़का सुन रहा होता है। वो रोज नोटिस करता है हेमा को, उसको भी उसके बादाम अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो कभी भी पूछने पर अपने बादाम का राज नहीं बताती है तो वो तय कर लेता है कि वो पता करेगा कि वो बादाम कहाँ से लाती है और उसके बादाम इतने मीठे किस कारण से हैं। अच्छा अब मैं भी घर चलती हूँ, शाम होने लगी है, बहुत दूर जाना होता है। चलो अब वो घर जा रही है, उसके पीछे चलता हूँ। वो हेमा के पीछे जाने लगता है, जाते जाते वो देखता है कि वो एक घर में घुस गई है। अरे ये तो एक घर में घुस रही है, लग रहा है वही उसका घर है। लड़का झांकने लग जाता है उस घर की खिड़की से। वाह आज तो सारे बादाम बिक गए, पर आगे के लिए काम करना पड़ेगा फिर। इतना बोलकर वो अचानक से एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और खुद को शीशे में निहारने लगती है। लो हो गई मैं तैयार, हाय नजर ना लगे मुझे किसी की, कितनी सुंदर हूँ मैं, अब जरा चलूं शिकार करने। अरे बाप रे ये क्या आफत है, ये इसने कैसे किया और अब ये क्या करने वाली है। लग रहा है घर से बाहर निकल रही है, मैं छुप जाता हूँ। फिर वो उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि वो कार रुकवा रही है। क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे, मैं यहाँ फंस गई हूँ। वो कार चालू करता है और कुछ आगे बढ़ता है। आप जैसी खूबसूरत लड़की आधी रात में कर क्या रही है। थैंक यू, बस मुझे यही छोड़िए, आप भी कम हैंडसम नहीं है। अच्छा बताइए आप बादाम खाएंगे। जी जरूर, अगर कोई खूबसूरत लड़की बादाम खिलाए तो ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो मना कर देगा। तभी वो देखता है कि वो उसको मारकर उसकी लाश लेकर निकलती है कार से और घर की तरफ लेकर आती है। अरे मोरी मैया, इसने तो उसे मार दिया, पर अब ये क्या करती है ये भी देख लूं, तब ना जाकर लोगों को बोलूंगा ये बादाम वाली जिसको हम भोली औरत समझते थे वो कैसी है। इतना बोलकर वो लड़का फिर से हेमा के घर के बाहर वाली खिड़की पर झांकने लगता है। अब मेरे बादाम कल तक तैयार हो जाएंगे, फिर मैं इस कच्चे बादाम को बेच दूंगी। कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम। चलो अब यहाँ से निकलता हूँ और लोगों को बताता हूँ इस डायन के बारे में। तभी उसका फोन गिर जाता है जिसकी आवाज हेमा को सुनाई देती है। कौन है वहाँ पर। हाँ, हाँ, वरना ये तो तुझे भी मार कर अपने बादाम को सींच देगी, जल्दी भाग, गलत ही मैंने सोचा इसका राज जानने का, चुपचाप बादाम खाने से मेरा क्या बिगड़ जाता, अब तो जान पर बन आई है, अब क्या करूँगा मैं। ए प्रभु, प्रभु बचाए रखना।
तभी हेमा उसको पकड़ते हुए भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेरा राज जानकर कहाँ जा रहा है? मैं अपना राज जानने वाले को कभी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे 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 माफ कर दो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो ऐसे ही आ गया था, मुझे नहीं पता था तुम क्यों करती हो ऐसा। चल तुझे मैं बताती हूँ, क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है, तो तेरी आखिरी इच्छा समझकर मैं तुझे एक बार बता देती हूँ। वो उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैं एक घरेलू महिला थी और अपने पति के साथ सुख से रहती थी, पर लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना। मेरा पति कच्चा बादाम बेचा करता था, पर जो दूसरे व्यापारी थे उनका मेरे पति की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, तो उन लोगों ने मेरे पति को मारकर इसी बाग में दफना दिया और बादाम का पौधा लगा दिया। मैंने ये सब देख लिया और मैं ये सब झेल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से मैंने भी खुदकुशी कर ली। पर जब मैं जागी तो मैं एक चुड़ैल बन चुकी थी। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं सबसे बदला लूंगी, किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। फिर मैं लोगों को मारने लगी और उनके खून से ही ये बादाम सींच कर लोगों को बादाम खिलाने लगी। फिर वो चुड़ैल उसे एक तहखाने में बंद कर देती है। वो लड़का रोता चिल्लाता रहता है, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। फिर अगले दिन चुड़ैल उसे अपना शिकार बनाने के लिए तहखाने में जाती है। तुझे मारना ही होगा, क्योंकि अगर तू नहीं मरा तो लोग मुझे मार देंगे। तुम तो इतनी शक्तिशाली हो, तुमने अपने पति के दोषियों को भी मारा है, तो कोई तुम्हें कैसे मार सकता है भला? मेरे पति को 4 लोगों ने मारा था। मैंने पहले को तो बड़ी आसानी से मारा। मैं उसके सामने एक सुंदर लड़की बन कर गई। वो एकदम ठरकी था तो वो मेरे झांसे में आ गया। जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया वैसे ही मैंने अपना असली रूप ले लिया। मेरा भयानक रूप देखकर वो हार्ट अटैक से मर गया। दूसरे वाले को मारना थोड़ा मुश्किल था, अपने दोस्त की मौत पर थोड़ा शक्की हो गया था वो, अब किसी पर भरोसा ही नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने उन दोस्तों को छोड़कर। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने उनमें से ही एक दोस्त का रूप बनाकर उससे मिलने का सोचा और फिर मैं उसे जंगल में लेकर जाने लगी। पर वो जंगल आते आते समझ गया कि वो मरने वाला है और भागने लगा। मेरे जंगल से कोई नहीं निकल सकता, पागल आदमी। मैं चुड़ैल हूँ, इंसान नहीं। मैंने उसे पकड़ ही लिया और उसके पेट में बड़ा खंजर घोप कर उसका खून कर दिया और उसका खून भी अपने बादाम के पौधों पर डाल दिया। और तीसरे को किस तरह मारा? तीसरे वाले को मैंने एक सुंदर लड़की बनकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर एक सुनसान राह पर ले जाकर गाड़ी में उसका खून पी लिया। और बाकी लोगों का क्या किया तुमने? उस चौथे वाले को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस बेचारे को इन तीनों के कत्ल के इल्जाम में फांसी हो गई। फिर क्या, कुछ नहीं। मैं क्या तेरी दादी नानी हूँ जो तुझे कहानियाँ सुनाती रहूंगी? नहीं, फिर भी कुछ तो और हुआ होगा ना, कुछ अलग जो तुम्हें याद हो, या कोई बात जो तुम बताना चाहती हो। मुझे तो वैसे भी मरना ही है, तो जानकारी के साथ मरूं, है ना? यहीं तैयार बैठा हूँ तुम्हारी बात सुनने को। तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। तुम्हारा राज मेरे साथ ही दफन होना है वैसे भी। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और आज तक मैंने अपना कोई शिकार छोड़ा नहीं। और इतना कहकर चुड़ैल उसे भी मार देती है। बेचारा कहीं का सोच रहा होगा कहानियों के चक्कर में मुझे पागल बना देगा, मेरा राज खोलने चला था ना, अब तो ये भी मर गया। चलो अब इसका भी खून अपने बादाम पर डालूं, फिर कल मुझे ये कच्चा बादाम बेचने भी तो जाना है। फिर अगली सुबह वो चुड़ैल अपने रोज के आम रूप में अपने कच्चे बादाम लेकर शहर की तरफ निकल जाती है। अरे वाह हेमा, आज भी तो टाइम पर अपने बादाम बेचने आ गई। अब आ ही गई है तो शुरुआत मुझसे ही कर, मुझे ही खिला दे अपने कच्चे बादाम। हाँ हाँ, ले लीजिए बादाम। और ये तो बता दे, तेरे बादाम इतने मीठे कैसे होते हैं? हेमा मुस्कुराते हुए अपना टोकरा सर पर उठाती है और आगे बढ़ते हुए गाना गाकर अपना बादाम बेचने लगती है। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम।